हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपको पदबंध के प्रकार विशेषण पदबंध पढ़ाने जा रहा हूँ। तो विशेषण पदबंध के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं विशेषण पदबंध की तरफ। यहाँ पे देखिए, विशेषण पदबंध की आपको परिभाषा लिखाया गया है कि किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले, तो ये देखो, देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, नीली कमीज वाला बालक खेल रहा था। नीली कमीज वाला बालक, नीली कमीज वाला बालक खेल रहा है। अब हमें क्या करना है, पदबंध निकालना है। क्या करना है, पदबंध निकालना है। तो जब पदबंध निकालना है तो हम ये देखें कि पदबंध जो है वो कहाँ तक हमको निकालना है। तो देखिए, नीली कमीज वाला, ठीक है, ये आपका विशेषण पदबंध हो गया। क्या हो गया, विशेषण पदबंध। तो अभी तो विशेषण पदबंध पढ़ाया जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो अरे विशेषण पदबंध है भाई। नीली कमीज वाला बालक खेल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करें, उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। इसमें क्या दिया है, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। अभी संज्ञा की विशेषता बता रहा है नीली कवि, क्या इसमें संज्ञा, किस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अभी बालक, बालक क्या है इसमें संज्ञा है, और ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में दिया है किसी संज्ञा, यानी यहाँ पे संज्ञा का कोई भेद हो सकता है, यहाँ पे संज्ञा का कोई भेद हो सकता है। तो किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह, अब देखिए पदों का ये समूह है नीली कमीज वाला, ऐसा तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध। आपको समझ में आया, एक उदाहरण और भी है। पहले वीडियो में मैं विशेषण का जो वीडियो पहले आपको पार्ट वन जो भेजा हूँ, उसमें मैं आपको बताए थे कि विशेषण पदबंध, इसी को ले लीजिए, विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध का एक अंग बनकर प्रयुक्त होते हैं। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध का एक अंग बनकर वाक्य में प्रयोग होते हैं। अर्थात यदि संज्ञा पदबंध में से, संज्ञा ध्यान दीजिएगा, संज्ञा पदबंध में से अगर संज्ञा को हटा दिया जाए तो जो रचना बचती है वो विशेषण पदबंध हो जाता है। ध्यान दें, विशेषण के पहले पार्ट वन वीडियो में मैं बताए थे आपको कि विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध का एक अंग बन करके वाक्य में प्रयुक्त होता है। अभी देखिए, यहाँ वाक्य को देखिए, ये विशेषण पदबंध है लेकिन संज्ञा पदबंध का एक अंग बन करके, यहाँ एक पार्ट बन के प्रयुक्त हुआ।
हुआ है विशेषण, के बालक का अंग नहीं बना है ये। या देखिए खुद देखिए यार, विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध का एक अंग बनकर प्रयुक्त हो जाता है वाक्य में, यही है विशेषण पदबंध। जो संज्ञा पदबंध का एक अंग बना हुआ है, नीली कमीज वाला कौन है भाई, बालक ही है ना, तो बालक का एक अंग नहीं बना, एक पार्ट नहीं बन गया है नीली कमीज वाला, ठीक, तो ये भी एक पहचान है, ठीक है। अगर आप संज्ञा पदबंध को हटा देते हैं, इसको देखो, मान लीजिए अभी यहां तक हम अगर इसी को हम बढ़ा दें, नीली कमीज वाला बालक खेल रहा है, अब बालक खेल रहा है, ये अभी संज्ञा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा कि विशेषण पदबंध में प्रायः जो प्रायः संज्ञा पदबंध एक अंग बन के प्रयुक्त होता है, विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध में एक अंग बन के प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त संज्ञा का अंग बन के प्रयुक्त नहीं हुआ, अर्थात संज्ञा पदबंध में से अगर आप संज्ञा पदबंध में से अगर संज्ञा शब्द हटा दोगे तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, जो रचना बचेगी। यहाँ पे अगर बालक को आप हटा दो, ऐसे बालक को आप क्या करो, हटा दो, देखो ये क्या हो गया, नीली कमीज वाला खेल रहा है, ये विशेषण पदबंध हो गया। यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे नीली कमीज वाला आदमी आदमी लिख दिए, आदमी आदमी खेल रहा है, क्या हो रहा है, आदमी आदमी, ये संज्ञा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, यहां पे मैं आपको लिखा हूं, रफ कर दे रहा हूं, कभी कभी पदबंध जो है, कभी कभी पदबंध बिना संज्ञा के भी प्रयुक्त होते हैं, कभी कभी पदबंध जो है, अभी एक मैं आपको बताया ना कि विशेषण पदबंध में, ठीक है, प्रायः संज्ञा पदबंध का एक अंग बन करके प्रयुक्त होता है, विशेषण पदबंध में प्रायः संज्ञा पदबंध का एक अंग बन के प्रयुक्त होता है, कौन, विशेषण पदबंध, ठीक है, तो उसमें तो संज्ञा की बात आ गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विशेषण पदबंध के बिना, कभी कभी विशेषण पदबंध, ठीक है, बिना संज्ञा के भी प्रयुक्त हो जाते हैं। अब देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूं, उदाहरण लिखिए, उदाहरण, ठीक है, यहां देखिए मैं यहां ठीक, झूठ मैं यहां झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, मैं यहां झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूं, ठीक। अब यहां पे देखो
विशेषण पदबंध क्या है, क्या कहाँ तक है भाई विशेषण पदबंध? तो आप देखो झूठ बोलने वाला, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कभी कभी विशेषण पदबंध बिना संज्ञा के भी प्रयुक्त होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले उदाहरण में तो आप देखिए कि संज्ञा प्रयुक्त है, आप पहचान गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना संज्ञा के भी विशेषण पदबंध प्रयुक्त होता है। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, मैं यहाँ झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए झूठ बोलने वाला, ये विशेषण पदबंध है, क्या है विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, पद, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया? इसमें संज्ञा नहीं है लेकिन क्या बन गया, विशेषण पद बन गया। तो आप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि विशेषण पदबंध की परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। विशेषण पदबंध में कुछ विशेषताएं बताई गई विशेषण पदबंध की पहचान के लिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।